ये समझना चाहते हैं रामदेव जी से कि बाम सेफ या अंबेडकरवादी किस शख्स के या कौन से संगठन का हाथ जो है इस देश में बम ब्लास्ट में पाया गया, किसने यहाँ पर जो है आतंकवाद को जन्म दिया, कौन यहाँ पर जो है जय श्री राम के नारों पर हत्या कर दी जाती है, कौन लोग करते हैं। देश का संविधान लोगों के लिए होता है, किसी का मुंह बंद कराने के लिए नहीं। अगर कोई विचार से सहमत नहीं है तो ठीक है, क्या वो बात नहीं करेगा? वो बात करेगा। देश जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है। प्रभु राम भी अपना घर बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इंतजार उन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट के सहारे बैठे रहे हैं। तो सरकार अगर सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? भजन कीर्तन तो करेगा नहीं, अब तलवार लेकर के बंदूक लेकर के यहाँ वहाँ सबको मारते तो फिरेगा नहीं। उसका काम है सवाल करना और सवाल कर रहा है। और कोई दो राय नहीं है कि मीडिया जो जिस तरह से कर रही है वो अपना पूरी तरीके से मीडिया का जो काम होता है वो पूरे तरीके से भूल चुकी है मेन स्ट्रीम मीडिया। वो सिर्फ देश में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे देश में हलचल मचाए हुए हैं। खास तौर से अगर हम बात करें अयोध्या पर राम मंदिर के फैसले की, तो राम मंदिर का फैसला आने के बावजूद अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में घटती हुई दिख रही हैं। बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, एक बड़ी बहस छिड़ने वाली है। खास तौर से हम बात करें, आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग हुई वो काफ़ी अहम है। आने वाले दिनों में ये मुस्लिम पक्षकार किस तरफ जाएंगे, खास तो एक तरफ ये दिख रहा है कि मुस्लिम पक्ष कई धड़ों में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा दलितों को लेकर जो बाबा रामदेव की विवादित टिप्पणी है उसको लेकर पूरे देश के दलितों में एक खास तौर का गुस्सा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन चल रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अली सोहराब की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है, अभी उनको हजरतगंज थाने में रखा गया है लखनऊ में। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो युवा पत्रकार, डिजिटल मीडिया पे काफ़ी अहम हुए हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, मुद्दों को समझते हैं, खास तौर से मार्जिनलाइज जो सेक्शन है उसकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हमारे साथ हैं शम्स तबरेज साहब। अयोध्या पर जो फैसला आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं पहले दिन से ही, जैसे असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया कि हमें खैरात नहीं चाहिए और इस फैसले को लेकर कि ये फैसला मान्य है लेकिन इंसाफ नहीं है, और उसके बाद जो आज ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज जो मीटिंग किया है इंपॉर्टेंट तो है भाई। मेन पक्षकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था और अब उनका शुरू से ही, पहले दिन से ही उनका ये मौकफ था, और खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उनके मेंबर हैं, तो इनका यही मौकफ रहा कि हम एक बार रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे एक बार फिर गौर करे। और ये एक कानूनी मसला है, इतना ज़्यादा विवाद नहीं होना चाहिए। अगर ये कानूनी एक पहलू होता है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद आपके पास एक चांस होता है कि आप एक बार पुनर्विचार याचिका दायर कर सकें, तो अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर दायर करना चाहता है तो ये उसका एक लीगल राइट है, और वो दायर करता है तो भाई दायर करे। लेकिन यह है कि इसके बाद अब कोई अदालत आगे नहीं बढ़ेगी, अदालत अपने फैसले पर विचार करेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अब तो कोई अदालत है नहीं। अगर अदालत होता तो हो सकता, संभवतः ये लोग वहाँ भी जाते। लेकिन लखनऊ से ये खबर आई कि महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के हैं और उसके अलावा सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो इस मुद्दे से जुड़े हुए अहम पक्षकार हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। एक पक्ष चाह रहा है कि पुनर्विचार याचिका डाली जाए और एक चाह रहा है कि ना डाली जाए। देखिए, ये तो हमारे संविधान के और लोकतंत्र की खूबसूरती रही है कि जो है सबके विचार अलग अलग होते हैं। अगर बाकी जो पक्षकार रहे हैं, भले ही मुस्लिम पक्ष हैं वो, अगर उनका इस मामले में कुछ और कहना है तो उसका स्वागत करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इस मामले में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका भी अधिकार है। रह गई बात कि मस्जिद और बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे सभी लोग संतुष्ट नहीं हैं, सवाल उठे हैं। अब एक इसमें एक थॉट ये बनता है कि भाई इंसाफ और फैसला, इन दोनों में एक अंतर बन गया है, और इनसे पहले ही जो काफ़ी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कहा जाए तो बहुत से वकला हैं, एडवोकेट हैं, कानूनी विद हैं, और देखा जाए तो साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गांगुली, उन्होंने भी सवाल खड़ा किए हैं। तो अगर कोई संतुष्ट है
तो भाई उसके पीछे भी एक वजह है, कोई संतुष्ट नहीं है तो उसके भी पीछे भी वजह है। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, दोबारा पुनर्विचार याचिका पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा ये इस पर डिपेंड करेगा, भले ही सबके विचार अलग अलग हों। हमारे साथ युवा पत्रकार सुशील कुमार हैं जो द न्यूज हिंट करके अपना एक चैनल भी बनाए हुए, प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, उस पर तमाम मुद्दों पर ये कवर करते हैं। और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, बहुजन समाज जिसे हम कहते हैं, दलित, मुस्लिम, इनके मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं हम। राम मंदिर पे सुशील आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से हमारे सीनियर साथी ने कहा कि जो असहमति आ रही हैं और जिस तरह से जो न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है, कि जिस तरह से हमारे सहयोगी शम्स तबरेज़ जी ने कहा कि जस्टिस और फैसला, डिसीजन, इनमें कहीं ना कहीं अंतर है। और मुझे लगता है कि अयोध्या मामले पर जो दिया गया है वो फैसला है, वो न्याय नहीं है। जिस तरह से पूर्व जस्टिस ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि वो इस फैसले, हाँ, कि वो इस फैसले पर उन्हें जो है शक है, वो संतुष्ट नहीं है। और जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी, जिस तरह से तमाम जो एक वर्ग है वो उसके उसमें जो है एक असहमति दिखाई दे रही है, इस मतलब कि कोई संतुष्टि का कोई कारण भी नज़र नहीं आ रहा है जिसके आधार पर ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही है। जिस तरह से शुरुआत में हमें खबर आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो आस्था के आधार पर नहीं देगा, लेकिन हमने देखा कि पूरा फैसला जो है वो कहीं ना कहीं आस्था के आधार पर ही है। और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई सिर्फ इसलिए कि शायद देश में कोई बवाल ना हो। लेकिन सवाल ये है कि ज़मीन अगर देनी ही थी तो ये इतने सालों तक क्यों चलता रहा? ये ज़मीन का तो पहले ही जो हाई कोर्ट ने दिया था इस पर फैसला वो भी इसी तरह से था कुछ, तो फिर इतने लंबे समय तक इसको क्यों टाल रखा गया इतने वक्त तक? और दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद वहाँ थी, इस बात के पूरे साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो तोड़ी गई, ये हम सबको मालूम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कह रहा है कि वहाँ पर राम का, ये बात वो मान रहे हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन उस स्थान पर हुआ था, उस जगह पर हुआ था जो उस केस को पूरा देख रही थी जो एजेंसी, वो भी इस बात के सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। तो हमें ये लगता है कहीं ना कहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो आस्था के आधार पर आया है, ना कि वो संवैधानिक तरीके से आया है। शम साहब, इसमें ज़मीन को लेकर एक बहुत विवाद साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो पक्षकार हैं वो ज़मीन को लेकर भी एक तरीके से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग ज़मीन लेने के पक्ष के बाद ज़मीन लेने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। क्या क्या कहते हैं कि क्या ये वाकई ज़मीन का मैटर था? क्या ज़मीन का कोई महत्व है इस फैसले के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तो ज़मीन का कोई मैटर ही नहीं था, मामला था मस्जिद की। उनकी लड़ाई अगर मुस्लिम पक्षकार की माने तो उनकी जो लड़ाई थी वो मस्जिद के लिए थी, कि उनका मस्जिद एक लीगल राइट था जिसे एक मोब आई सुनियोजित तरीके से उन्होंने, बल्कि उनके नेताओं ने कोर्ट में एफिडेविट दे करके हलफनामा दिया था, फाइल किया था, जवाब दिया था अपना, एक कसम खाई थी, शपथ दिया था कि हम मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 का वो दिन इतिहास बन गया कि किस तरह से मस्जिद को एक भीड़ आई, सुनियोजित भीड़, जिसे तोड़ा गया, और आज भी उसका मामला चल रहा है। अब वहाँ मंदिर भी का भी सवाल उठता है कि वहाँ पहले तो एक अफवाह ये फैलाई गई कि भाई मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बरामद हुए हैं वो तोड़ने के नहीं हैं, वो 12वीं शताब्दी के हैं और 400 साल तक वो स्ट्रक्चर बना रहा, उसके बाद वो ख़त्म होता गया। उसके ऊपर वो बना हुआ है और उसके नीचे 10,000 BC ईसा मसीह की पैदाइश से 10,000 साल पहले तक के उसमें सबूत हैं। तो सभ्यताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं, और ये एक विज्ञान का एक सतत प्रक्रिया रहा है, पुरातत्व विज्ञान का भी। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, मस्जिद तो तोड़ के भी नहीं बनी। लड़ाई यहाँ किस तरह से आप देखिए, मंदिर तोड़ गया कि नहीं इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन एक मस्जिद तोड़ी गई उसकी गवाह पूरी दुनिया है। सुशील, इसके अंदर एक बात और है जिसका मैं आपसे मतलब जानना चाहूँगा कि कहीं इस मैटर को
पूरे इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की जहां तक बात है पुनर्विचार याचिका की, तो निर्मोही अखाड़ा भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। तो मीडिया इस तरीके की हल्ला क्यों कर रही है कि मुस्लिम पक्षकार अगर जा रहे हैं तो वो मतलब सुप्रीम कोर्ट से मतलब एक तरीके से बगावत, देश से बगावत कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट पे उन पे भरोसा नहीं है, तो क्या वजह है कि मीडिया उसको इस तरीके से कवर कर रहा है? देखिए, इसमें तो कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ मीडिया का जो जिस तरह का चरित्र है और जिस तरह से वो कार्य कर रही है, इस बात को अब गांव के गली के छोटे छोटे लोग बच्चे भी अब समझने लगे हैं कि मीडिया का किस तरह का रवैया, सोशल मीडिया पर उसकी नाराज़गी, उसके प्रति आक्रोश हम देखते रहते हैं। ख़ास तौर पर आपने कहा कि इसको जो है हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश नहीं की जा रही है, ये लगातार होता रहा है और इसी के नाम पर जो है मीडिया भी अपनी दुकान चलाती रही है और एक बहुत बड़ी पार्टी जो सरकार बनाती रही है वो उसने कभी कोई अपना मुद्दे विकास के मुद्दे नहीं रखे और ना ही उसने वोट मांगे, ना ही वादा किया किसी, उसने राम मंदिर पर ही वोट मांगे और राम मंदिर के नाम पर ही आने वाले समय में मुझे लगता है कि राजनीति की जाएगी। नंबर एक चीज़ तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया जो जिस तरह से कर रही है वो अपना पूरी तरीके से, मीडिया का जो काम होता है वो पूरे तरीके से भूल चुकी है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों में जो है लगी पड़ी है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस दिन सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा था कि वो इस फैसले का सम्मान करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन वो इस फैसले से सहमत नहीं हैं, जो कि उनकी व्यक्तिगत राय है वो, और वो हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। लेकिन शाम को प्राइम टाइम में हर मीडिया चैनल पर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी जी का यही बयान जो है बहुत एग्रेसिव और बहुत जो है खलनायक के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया, तो वो चीज़ हमें वहाँ से समझ में आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जब हम बात राम मंदिर और सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं तो बुद्धिस्टों ने भी जो है अयोध्या में, उनका ऐसा दावा था कि वहाँ पर जो है बुद्धों के शिलालेख और इस तरह की कुछ उन्हें चीज़ें मिली हैं, तो उन्होंने याचिका दायर की थी कुछ एविडेंस के साथ में सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ पर जो है बौद्ध विहार था, इस टाइप से कुछ कहा था, जो कि उस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह से अगर कोई तीसरा पक्ष दावा कर रहा है और एविडेंस के साथ में, तो उसको खारिज भी नहीं किया जाना चाहिए था, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं किया गया, जो उचित नहीं है। अब ये 9 तारीख की बात है जिस दिन फैसला आया, उसी दिन रिपब्लिक भारत नाम का चैनल है, अर्णब गोस्वामी एक शो करते हैं उसके ऊपर, उस कार्यक्रम के जो मेहमान हैं वो बाबा रामदेव, वो एक मामला मुसलमानों का था, मुसलमानों से जुड़ा हुआ एक फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट से, राम मंदिर का इशू था, लेकिन वहाँ से एक बयान आता है रामदेव का जो दलितों के अंदर, देश के दलितों के अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है, और वो बयान है कि जो दलित और ख़ास तौर से नाम लिया गया पेरियार, और इसके साथ एक शब्द बोला गया अंबेडकर के चेले, ये वैचारिक आतंकवादी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या आप वैचारिक आतंकवादी? देखिए वसीम जी, सबसे पहले बात तो रामदेव जी की ही हम बात कर लेते हैं, हरियाणा के यादव वर्ग से वो आते हैं, यादव जाति से, और हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखें तो वो खुद शूद्र हैं, वो खुद दलित हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो बाबा अम्बेडकर और पेरियार के जो चेले हैं और जो ये दलितों के बाम से मूल निवासी संघ और मुस्लिम संगठन, ये जो कुछ काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, तो हम ये समझना चाहते हैं रामदेव जी से कि बाम से या अंबेडकरवादी किस शख्स के या कौन से संगठन का हाथ जो है इस देश में बम ब्लास्ट में पाया गया, किसने यहाँ पर जो है आतंकवाद को जन्म दिया, कौन यहाँ पर जो है जय श्री राम के नारों पर हत्या कर दी जाती है, कौन लोग करते हैं, तो ये चीज़ रामदेव को समझनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ रामदेव जी से कि रामदेव जी ने जो बयान दिया है वो किस आधार पर दिया है, कौन सा ऐसा काम बामसेफ कर रहा है जिससे कि समाज बट रहा है और आतंकवाद फैल रहा है, वैचारिक आतंकवाद की उनकी परिभाषा क्या है, जो वो वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने एक नए शब्द
नया शब्द जो है वो दिया है कि वैचारिक आतंकवाद को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे कैसे वैचारिक आतंकवाद हो गया, पेरियार जी को वो कहते हैं अरे भाई आपकी अगर अल्लाह भगवान में आस्था है तो ठीक है, अगर मेरी आस्था नहीं है तो मैं आतंकवादी कैसे हो गया, ये सवाल है। तो रामदेव जी का जो बयान आया है वो मैं समझता हूँ कि वही वैचारिक आतंकवाद है, उसने ही समाज में जो है एक एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जिसका कोई आधार नहीं है, और उनको दोबारा आना चाहिए, इस बयान पर अपनी सफाई देना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि कोई छोटे मोटे गली के व्यक्ति ने कोई ये बयान नहीं दिया है। रामदेव वो उन्होंने भी बाबा साहब को पढ़ा होगा और पेरियार जी को भी पढ़ा होगा, दक्षिण में बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है, लोग बहुत मानते हैं उनको, तो उन्होंने किस आधार पर ये बयान दिया है, क्या उनके पैमाने हैं अंबेडकर वादियों को वैचारिक आतंकवादी कहना, या कि जो शोषण के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो वो आतंकवादी हो गए क्या, उनको क्या ये लगता है। और रामदेव जी तो खुद शूद्र हैं, उनको अपने समाज के लोगों की ही फिक्र करने, लगातार उत्तर प्रदेश में यादवों की हत्याएँ हो रही हैं, अभी एक अनामिका यादव नाम की लड़की का सरेआम जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई, तमाम इस तरह के केस आ रहे हैं सामने से, वो कौन से हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए निकले हैं, उनके समाज के लोग खुद सुरक्षित नहीं हैं। तो मेरा मानना ये है कि रामदेव जी जो हैं वो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, आरएसएस के पूरे तरीके से प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, जो आरएसएस की भाषा है वही बात वो जो है टेलीविजन में जाकर बोल रहे हैं, और असल में वैचारिक आतंकवाद रामदेव जैसे लोग फैला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो ये राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं और राम राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं, तो जो बहुजन जिसे कहते हैं वो पूरी जो आइडियोलॉजी है वो इनकी राह में रोड़ा है। नहीं देखिए क्या है कि ना हाल ही के कुछ दिनों से जब से सोशल मीडिया आया है, पढ़ा है। हाँ। संविधान ही हमें इजाजत देता है कि हम अल्लाह हाँ। राम गुरु नानक में आस्था रखें या ना रखें, अभी हाल के दिनों में जब से सोशल मीडिया आया है तब से एक ना वैचारिक क्रांति की कहीं ना कहीं उदय हुआ है, और ख़ास तौर पर एससी एसटी के लोगों में जहां तक जो है मीडिया की वहां तक पहुंच नहीं है, और उस वर्ग में जो है इतना इंटेलेक्चुअल वर्ग भी नहीं है जो कि वो घर में बैठ के अपने महापुरुषों के बारे में बात करें या देश विदेश की मुद्दों पर चर्चा कर सकें, लेकिन सोशल मीडिया ने जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे सामने मुहैया कराया है कि सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं जो वर्ग हजारों सालों तक वंचित रखा गया वो ये बात समझ रहा है कि जो एक धर्म के एजेंडे के आधार पर उनका शोषण हुआ है अब वो उस धर्म को जो है त्याग रहा है, और वो वास्तविकता समझ रहा है कि आखिर किस तरीके से जो है ये मजहब की घुटी पुला करके हमको जो है गुलाम बना के रखा गया है। तो और अब जो देश जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है, प्रभु राम भी अपना घर बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इंतजार उन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट के सहारे बैठे रहे हैं, वो अब ये बात समझ रहे हैं कि जिस तरह से ये वर्ग जो जागरूक हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए हर तरह के मुद्दों को जान रहा है, तो ये संवैधानिक जानकारी भी हासिल कर रहा है, और जब संवैधानिक जानकारी हासिल कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है देश में अपना प्रतिनिधित्व या अपना हिस्सा भी जो मांगेगा और उसमें मजबूती से भागीदारी करेगा, जो कहीं ना कहीं इन लोगों को खटक रही है। जिस तरह से आपने कहा है राम राज्य में जो है रोड़ा अटक रहा है, राम राज क्या है, आज ही की मैं खबर पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश में ऑटो में से एक औरत को जो है उठा के ले गए, दो लोग कार से उठा के ले गए, जो योगी आदित्यनाथ जी राम राज्य से कहते हैं, तो यही राम राज है कि लगातार जो है एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पर हमले किए जाना, कोई व्यक्ति अगर एक आपके खिलाफ टिप्पणी कर दे तो उसको उठा के जेल में डाल देना, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो किस तरह के रामराज का ये जो ताना बाना है ये हम सबके सामने हैं, और जाहिर सी बात है इसमें जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है आरएसएस के एजेंडे पर, ये पूरी सरकार बीजेपी हो सेंट्रल में और स्टेट में जो काम कर रही है, और इनका यही काम है कि बहुजन समाज के लोगों को उस
उस पायदान पर लाके खड़ा कर दिया जाए जहां उनका होना ना होना कोई मतलब ना रहे। मुस्लिमों को लगातार टारगेट करना कि मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह का कैंपेन चलाया जाना, इस तरह की चीज़ें करते रहना कि उनके अंदर एक डर भय का जो है माहौल बैठ जाए कि कल को उनके साथ हम कुछ भी करें तो वो बोल ना सकें। और ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के दबे कुचले वंचित समाज को जो है हसीये पर डालने के लिए, उनको उस स्थिति में डालने के लिए जहां उनका होना ना होना, और एक वर्ग जो हजारों सालों से जो है मलाई खाता आया है वही जो है इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है अपने आप को यहां पर स्थापित करना चाहता है, वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। बात हुई सोशल मीडिया की और वैचारिक आतंकवाद की, शम्स साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, कल एक गिरफ्तारी हुई है दिल्ली में, अली सोहराब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों पर वो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, लिखते हैं। दिल्ली के नंद नगरी से उनको गिरफ्तार किया गया, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, हजरतगंज लखनऊ थाने में उनको रखा गया है। किस तरीके से देखते हैं आपकी कि क्या सरकार की आलोचना करना वैचारिक आतंकवाद है क्या? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह से सोचना कि वैचारिक आतंकवाद है, ये शब्द की कल्पना ही जो है मैं समझता हूँ कि एक मानसिक दिवालियापन है। जो व्यक्ति अपने दिमाग से दिवालिया हो जाए वही इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल कर सकता है, और जिनके ज़रिए इस्तेमाल किया गया तो उनका तो काफ़ी सम्मान है देश में, या देश के लोग उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उन्हें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए आखिर वो बोल क्या रहे हैं। रह गई बात अली सोहराब की, अली सोहराब एक अच्छे पत्रकार के तौर पर माने जाते हैं, वो ब्लॉग भी लिखते हैं, ब्लॉगर भी हैं, और दूसरी बात यह कि ट्विटर पर उनके 1.5 लाख से ज़्यादा जो है उनके फॉलोअर्स हैं, और जो भी लिखते हैं लोग उन्हें पढ़ते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं रख सकता? सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, देश का संविधान लोगों के लिए होता है, किसी का मुंह बंद कराने के लिए नहीं। अगर कोई विचार से सहमत नहीं है तो ठीक है, क्या वो बात नहीं करेगा? वो बात करेगा, सहमत हो ना हो वो अपनी जगह है, वो उसका राइट है बोलना, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर हो। और दूसरी बात यह है कि आप उन्हें किस मामले में अरेस्ट करोगे, क्या वो बोल नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के बारे में? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में उन्होंने बोला। अगर उस पर टीका टिप्पणी की जाती है तो हर व्यक्ति का ये धर्म है, उसका अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोकता कि आप अपना मुंह बंद करके रहिए, सुप्रीम कोर्ट किसी की वाक स्वतंत्रता नहीं रोक रहा है, ये तो एक अभिव्यक्ति का हिस्सा है। और वो तो बंदा पत्रकार था, ब्लॉगर था, बकायदा ब्लॉग लिखता था वो। आप किसी को उसके टीका टप्पणी की वजह से अरेस्ट नहीं कर सकते, वो उसका अधिकार है। और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक संवैधानिक हनन हुआ है, किसी की आप अरेस्टिंग कर लें, उसे FIR के बारे में ना बताएं, उसको आएं और सादी वर्दी में अरेस्ट करके ले जाएं, ठीक है, उसको उनके परिवार को बताया तक नहीं है कि मामला क्या था। आज मेरे उनके वकील से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो है उन्हें जेल भेज दिया गया, रात में ही पेश किया गया शनिवार की रात में, और कल जो है हो सकता है उन्हें पेश किया जाएगा कोर्ट में। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या कोई लिख दे तो इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए? लिखने की अगर बात है, बोलने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबसे बड़ा सवाल तो वैसे ही नहीं उठाया, चीफ जस्टिस गांगुली ने उठाया, मार्कंडे कार्जू ने उठाया, तो भाई ये लोग कोई बच्चे तो थे नहीं। एक आम आदमी बोल दे तो मान सकते हैं कि चलो गैर जिम्मेदार आदमी है, इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है, वाली सोरा बोल दिया तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग उस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं, और मैं खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, उन्होंने तो पूरे फैसले को ही एनालिसिस किया, 1045 पन्ने का जो जजमेंट आया, पूरे फैसले को उन्होंने एनालिसिस किया। सवाल तो खड़ा हुआ, क्या सवाल खड़ा करना अपराध है? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। और शायद जब कोर्ट कल इस फैसले को, जब इस मामले को सुने, अली सोहराब के मैटर को, तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो न्याय करेगी, किसी का हक नहीं छीनेगी। जिस तरीके से लगातार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पत्रकार, जो पूरी बिरादरी है, जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं या निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता कि पत्रकारों को गले में पट्टी डालने की कोशिश की जा रही है कि वो वही चीज़ दिखाएं, वही चीज़ बोलें जो सरकार अपनी नज़र से दिखाना चाहती है, जो अपनी आवाज़ सुनाना चाहती है, कैसे देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता तो होती ही है जनहित के लिए, और जनहित का मुद्दा देश राष्ट्र दुनिया से ऊपर उठ के होता है, उसमें किसी के खिलाफ हैं किसी के खिलाफ नहीं है वो बात अलग है। पत्रकार सवाल खड़ा कर रहा है, सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, तो सरकार ये कोशिश करे कि ऐसे सवाल फिर ना उठें, उसके लिए पत्रकार को दबाव नहीं, उस सवाल को पैदा ही ना होने दो,
मैं समझता हूं कि ये एक पत्रकारिता है, जो लोग कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अगर पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा, भजन कीर्तन तो करेगा नहीं, अब तलवार लेकर के बंदूक लेकर के यहाँ वहाँ सबको मारते तो फिरेगा नहीं, उसका काम है सवाल करना और सवाल कर रहा है। और जाहिर सी बात है पत्रकारिता तक का कभी भी स्वर्णिम युग नहीं रहा है भारत में अब तक देखा जाए, और इमरजेंसी के बाद से तो अब हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति डर रहा है, पत्रकार छोड़िए एक आम आदमी डर रहा है, पत्रकार से ज़्यादा अधिकार तो बल्कि एक आम आदमी को है, पत्रकार तो एक जिम्मेदार वर्ग माना जाता है कि जो भी कुछ बोलता है अपनी जिम्मेदारी से बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जो व्यक्ति बोल रहे हैं कह रहे हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं कह दिया, ठीक है। हिंसा फैलाना, आप ऐसी चीज़ें ना करें जहां किसी के अधिकार का हनन होता हो, ऐसी बातें ना बोले जहां किसी के फीलिंग हर्ट्स होते हों, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पत्रकार वर्ग अच्छा काम कर रहा है, मैं सारे पत्रकारों को बेहतर नहीं कर सकता, लेकिन जो अपना काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये पत्रकारिता का एक अभिन्न अंग है जो वो बखूबी कर रहे हैं। और जो बहुत से हैं जो एक प्रोपेगेंडा के तहत आते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हम तो उन्हें पत्रकार भी नहीं कहते, हम उन्हें पत्तलकार कहते हैं, जिन्हें पत्रकारिता कहना भी, मैं तो समझता हूँ कि पत्रकारिता के ऊपर कलंक है, उन्हें पत्रकार ही नहीं कहना चाहिए। और जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, और खासतौर से इस दौर में जब एक आम आदमी के अधिकारों का भी हनन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया असम साहब, आपने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।